ओ यो स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक ठाउन की जो कि 20 नंबर के लिए जारी किया गया ये कक्षा 10 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे आज हम पढ़ेंगे गोली लेंस के बारे में तो चलिए देखते हैं जानते हैं समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या नई जानकारी देता है बच्चों गोलिय लेंस दो तलों से घिरे हुए कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोल होते हैं गोलियर लेंस कहलाते हैं बच्चों तो ऐसा क्यों है एक ये है पारदर्शी माध्यम पहली चीज और दोनों सिरे गोल हैं या एक सिरा गोल हो तो ये कहलाता है गोली लेंस ठीक है बच्चों गोलिय लेंस दो प्रकार के होते हैं बच्चों जैसे कि हमने पढ़े थे क्या पिछले उसमें अवतल और उत्तल मिरर ठीक है बच्चों वैसे ही लेंस होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस उत्तल लेंस के बारे में देखते हैं बच्चों किनारे से पतले होते हैं बीच से मोटे अभासारी होते हैं ठीक है यानी कि करते क्या हैं ये किनारे से तो पतले होते हैं बीच से मोटे अभासारी मतलब सारी की सारी जो है जो प्रकाश की किरणें होती हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करते हैं अवतल क्या होते हैं किनारे से मोटे होते हैं बीच से पतले होते हैं और अपसारी होते हैं यानी कि ये सारी रेखों को सब जगह पहुंचा देते हैं ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं उत्तल तथा अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम तो बच्चों जैसे पहले नियम थे कुछ इसके भी नियम हैं नियम क्या है बच्चों पहला है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपरिवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से जाती हुई विपरार्थी से होकर जाती है बच्चों तो ये क्या है ये ऐसे जाती है जब ये इधर से जाएगी तो ऐसे जाएगी और इसके केस में क्या होगा अवतल लेंस के केस में क्या होगा ये पीछे से इस तरह जाएगी जैसा कि मैंने बताया कि एक में तो सारी की सारी एक जगह कट होती हैं दूसरी में अलग अलग भागों में चली जाती है ठीक है बच्चों? आगे क्या कहना है बच्चों ये दोनों ही प्रकार के लेंस में जब प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के जाती है तो इसमें क्या है बच्चों? जब ये सीधी रेखा प्रकाश की सीधी किरण सेंटर से जाएगी यानी केंद्र जो लेंस है उसके मध्य से जाएगी बिल्कुल तो सीधी जाएगी कहीं आड़ी तिरछी नहीं होगी बिल्कुल सीधी जाएगी प्रकाश की किरण ठीक है बच्चों लेंस सूत्र देख लेते हैं बच्चों लेंस का सूत्र क्या है वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू यू बराबर होता है वस्तु की दूरी वी बराबर हम प्रतिबिंब की दूरी और एफ बराबर फोकस की दूरी तो क्या कहता है बच्चों आगे किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है इसे इसे एस SI यूनिट जो होती है बच्चों इसे सेंटीमीटर के द्वारा निरूपित किया जाता है मीटर के द्वारा निरूपित किया जाता है किसी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता निम्न होगी पी बराबर एक बटे एफ मीटर में और लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है इसे डायप्टर के द्वारा एस यूनिट में निरूपित किया जाता है बच्चों अब जरा जब हम देखेंगे इसे तो हमें लगभग वही चीजें याद आएंगी जब हमारी पिछली बार जैसे हमारी क्या बनी थी प्रतिबिंब बने थे बच्चों तो यहाँ पे क्या है बच्चों ये उत्तल लेंस है उत्तल लेंस में भी सेम वही कंडीशन होगी जैसे पिछले वाले हमने पढ़ी थी पिछले वाले में कुछ कंडीशन पढ़ी थी जब लेंस को यूज कर हमने मिरर को यूज किया था क्या कि अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई है वो फोकस पे बनेगी उसके प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा अत्यधिक छोटा होगा बिंदु आकार का होगा वास्तविक में उल्टा होगा यानी कि ये सारी की सारी जो रेखाएं हैं प्रकाश की वो एक जगह आके इकट्ठी हो जाएंगी ठीक है अब धीरे धीरे क्या किया हमने हमने किया ये कि वस्तु को आगे धक्का देना शुरू किया तो टू एफ से परे यहां चीज ध्यान रखना बच्चों एक तो क्वाड्रेंट याद रखना कि पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा दूसरी चीज क्या होगा यहाँ पे एफ और एफ फिर इसका दुगुना इन दोनों इसका दुगुना टू एफ और इधर भी टू एफ होगा ठीक है तो पहले वाले को हम f1 कहेंगे यानी f1 और 2f1 और दूसरे वाले को कहेंगे f2 और 2f2 ठीक है तो इसमें कंफ्यूजन मत करना बच्चों तो दूसरे का क्या हुआ 2f से परे मतलब इसे लगभग थोड़ा सा 2f से थोड़ा सा पिछला है तो इमेज प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2f2 और f2 के बीच में छोटा और वास्तविक बनेगा बच्चों ठीक है आगे देखते हैं आगे है टू एफ वन पर लेकर के आगे हम इसी किसी वस्तु की स्थिति को हम टू एफ वन पर ले आए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा टू एफ टू पर बनेगा समान आकार का होगा वास्तविक तथा उल्टा होगा यहाँ पे आगे है कि टू एफ वन तथा एफ वन के बीच में लिया है मतलब और आगे ले गए उसे अब क्या बनेगा टू एफ टू से परे बनेगा एफ टू एफ टू के पीछे बनेगा बच्चों ये बड़ा होगा वास्तविक तथा उल्टा होगा ये अब है एफ वन पर तो एफ वन पर जब लेकर के आगे तो क्या होगा अनंत पे बनेगा ये पीछे की साइड में अनंत बनेगा अत्यधिक बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा बच्चों अब और आगे लेके चल जाए हम इसे तो एफ वन तथा ओ के बीच में एफ वन तथा ओ के बीच में किसी वस्तु वस्तु को हमने रख दिया एफ वन तथा ओ के बीच में तो जिस और वस्तु होगी उसी और बनेगा यानी कि यहाँ पे वस्तु है तो इसी और बनेगा बड़ा होगा आभासी और सीधा होगा एक बात ध्यान रखना बच्चों जैसे पिछली बार वाला केस था सेम उसी तरह का यहाँ पे आबासी और सीधा ये एक एक्सेप्शन है बाकी सब में वास्तविक तथा उल्टा देखने को मिलेगा तो इसे ध्यान रखना ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है ठीक है बच्चो चलिए आगे आता है आपका अवतल लेंस का द्वारा प्रतिबिंब तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब जब हम देखेंगे तो पहला क्या है अनंत पे वस्तु रखी हुई है तो क्या करती है वस्तु जो बनेगी प्रतिबिंब बनाएगी एफ पे अत्यधिक छोटी और बिंदु आकार की होगी आबासी और सीधी होगी और इधर क्या है अनंत तथा एफ के बीच में है तो एफ और ओ के बीच में बनाएगी छोटी बनाएगी आबासी और सीधी बनाएगी बच्चों। तो ये तो बात हुई बच्चों आपकी वर्कशीट की चलिए अब जरा उत्तर देख लेते हैं पहला प्रश्न है आपका कि 10 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस ठीक है दस सेंटीमीटर वाले उत्तर के से सामने 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु तीस सेंटीमीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति आकार व प्रकृति ज्ञात करें तो हमें करना क्या है बच्चों हमें निकालना है v पहले निकालना है v, फिर निकालना है हमें कि वस्तु का आकार कितना है ठीक है तो सबसे पहले v निकालेंगे हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके जब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी कुछ कुछ इक्वेशन बन जाएगी वन अपॉन वी बराबर वन अपॉन एफ माइन प्लस वन अपॉन म्यू के और इसमें रखेंगे हम तो एक बटे दस प्लस एक बटे माइनस तीस माइनस तीस के लिए क्योंकि वस्तु रखी है यहाँ पे ये माइनस का कोना है तो ये आ गई इस तरह तो ये आएगी दो बटे तीन तीस और जब v के बराबर करेंगे तो ये आएगा तीस बटे दो बराबर पंद्रह सेंटीमीटर ठीक है ये पंद्रह सेंटीमीटर आ गया अब हमें निकालना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन m m बराबर v अपॉन यू इज इक्वल टू पंद्रह बटे माइनस तीस ये आ जाएगा लगभग लगभग लग आपका माइनस पांच सेंटीमीटर और m बराबर अगर वस्तु की ऊंचाई को करें और वस्तु की ऊंचाई और जो आपका प्रतिबिंब बना उसकी ऊंचाई उसके में ले एच आई बटे एच हाँ। जीरो तो हमें क्या चाहिए एच आई निकालना है हमें एच हाँ आई बराबर यानी कि हमें वस्तु की वस्तु जो प्रतिबिंब बना है उसकी उसका आकार भी पता करना है ना आकार पता करना कितना आकार है उसका तो ये हो गया इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी एम गुणा एच हाँ जीरो तो एम क्या निकला था हमारा एम निकला था पंद्रह तो इसे जब हम निकालेंगे तो हमारा लगभग लगभग आंसर आएगा टू पॉइंट फाइव ठीक है बच्चों तो इमेज कैसी होगी अब इमेज बनेगी हमारी कैसी वास्तविक छोटी और उल्टी ठीक है बच्चों ये आपका आंसर है अच्छा अब दूसरा प्रश्न है आपका अब सारी लेंस में निम्न प्रतिबिंब के लिए रेखा चित्र बनाओ वास्तविक तथा अवर्धित आवासीय तथा अवर्धित तो वास्तविक तथा अवर्धित के लिए कौन सी होगी ये वाली बच्चों ये जो फिगर है आपकी ये वाली वास्तविक तथा अवर्धित के लिए और दूसरे वाले के लिए है ये वाली ठीक है बच्चों तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू